स्टार्ट करना डिग्री इन ओरिजिनल सूट इन द कोर्ट ऑफ सेवेंथ एडिशनल सीनियर सिविल जज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट एट गेलवी नगर प्रेजेंट श्रीमती वी पुष्पालता सेवेंथ एडिशनल सीनियर सिविल जज। ये ऑर्डर रंगारेड्डी कोर्ट से मिला है और ये ऑर्डर ये अपने मिर्ज़ा अहमद बेग मंसूर जावेद बिन उमर अल जाबरी सन ऑफ उमर बिन अली अल जाबरी ये जीत चुके हैं रंगारेड्डी कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं। फिर इसके बाद इस ऑर्डर को लेकर हाई कोर्ट के अंदर ये रिट पिटीशन डाले थे कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं, यहाँ पर सेवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुए, हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, और बल्दिया के मजास ने आकर पांच बिल्डिंगों को खाली सुराखा मारकर ऐसा वैसा कर चले गए हैं। इसको कंप्लीट डिमोलिशन नहीं किए, ज़मीन दोस्त नहीं किए, खाली इसको टच किए हैं और दो बिल्डिंग को छोड़ दिए क्योंकि टाइम हो गया बोलकर। तो ये बल्दिया को चाहिए कि इसका पूरा सही तरीके से काम करें और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जज से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ये गुजारिश है कि ये हमारे कोर्ट को देखते हुए जो सबका जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसको कैंसिल करें। ये कितनी लैंड कितनी है सर? ये 22 गुंटास। सर्वे नंबर 57 है, शास्त्रीपुरम है, कांटेधन। तो कितना टाइम हुआ आपका ये डिस्प्यूट होते हुए? जो ये तकरीबन देखिए कि हम इस कार्रवाई के अंदर 1.5 साल हो गया है। जी, ये डिमोलिशन कब कर रहे हैं लोग लास्ट? ये लास्ट डिमोलिशन कर रहे हैं, देखिए लोग मिला, उसके बाद हम बल्दिया का पीछा किए, इसके कुछ महीनों बाद इन लोग ये किए। तो अभी रिमेनिंग जो बचे हुए हैं उसके लिए फिर अभी आपको जो प्रोसेसिंग किए हैं जो बचे हुए हैं उसको भी डिमोलिशन करना चाहिए, उसको भी जमीन दोस्त। नहीं, आप फिर जीएचएमसी को रिमाइंडर किए क्या? जी हाँ, कई बार हम रिमाइंडर किए हैं लेकिन कोई कॉस्ट ऑफ एक्शन कुछ नहीं है। जी, खाली हमको समझा कर करके क्या मैनेज हो जाता है हमको बढ़ा देते हैं। अब तो आपका क्या डिमांड है? आपका हमारा डिमांड यही है कि इसको डिमोलिशन होना चाहिए और हमको हक मिलना चाहिए, हकदार का, हमारी जमीन हमको वापस होना चाहिए। अभी टोटल मेंबर कितने हैं वहाँ पर अभी इस वक्त? तकरीबन कितने प्लॉट्स हुए? 19 प्लॉट्स हुए। जी, और उनका ये मदर डॉक्यूमेंट, ये मदर डॉक्यूमेंट्स है, ये उनका मदर डॉक्यूमेंट्स है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स का मदर डॉक्यूमेंट खुद फेक है, क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है, ये बताइए। ये एरिया कौन सा आता है? ये शास्त्रीपुरम कांटेधन का आरामगढ़ के करीब। ये देखिए, ये वैलिडेशन उनका, ये वैलिडेशन है जिसका कोई तबसेरा है ना कुछ है, ये मनमाने कामा है इन लोगों। नाजरे, ये सर्वे नंबर 57 है, कांटेधन विलेज है, उसका रहीमुद्दीन अंसारी बोल के उर्दू अकेडमी के चेयरमैन है, उसका नाजायज फ़ायदा उठाते हुए ये कर रहे हैं उनके अहदे का। इनका ये मदर डॉक्यूमेंट है, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए मदर डॉक्यूमेंट। ये मदर डॉक्यूमेंट रहीमुद्दीन अंसारी साहब अफरोज सुल्ताना का वैलिडेशन के बिहाफ पे ये रजिस्ट्रेशन कराए हुए है, ये उनका मदर डॉक्यूमेंट है। आप इसके अंदर देखिए, यहाँ पर वैलिडेशन नंबर 125/AR 1992। अब मैं आपको बताऊँगा, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से आपकी रिपोर्ट बताऊँगा, जबकि इसके अंदर वो ट्रेस आउट ही नहीं हो रहा है। ये वैलिडेशन नंबर रहीमुद्दीन अंसारी साहब जो अफरोज सुल्ताना के बेसिस पे जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इल्लीगल, वो रहीमुद्दीन अंसारी डॉटर ऑफ रहीमुद्दीन अंसारी है, ये उनका फैब्रिकेटेड क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर पोजीशन पे वो लोग आ रहे हैं, आके चुपके से काम करा रहे हैं, लॉकडाउन का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए ये काम करा रहे हैं, जबकि 7 बिल्डिंग का डिमोलिश का ऑर्डर हो चुका है हाईकोर्ट से, उसके बाद भी ये लोग मैनेज करके कोई भी तरीके से डिमोलिश करा ही नहीं, पूरी कंप्लीट तरीके से करे नहीं, क्योंकि 2018 में ये डिमोलिश ऑर्डर हुआ था, अब तक पूरा फुलफिल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम तेलंगाना गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं इसके ऊपर फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए, हम बल्दिया कमिश्नर से भी ये उम्मीद करते हैं कि ये फौरी तौर पर इसको अमल में लिया जाए, और हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ये उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर वेरीफाई करके आरडीओ को ट्रांसफ़र करें, जिसके डॉक्यूमेंट सही हैं, जिसके डिग्री हो चुकी है, उनके हक में फैसला करें। जो बात है अजमत भाई ना, अरे ये ऐसा तोड़ दीजिए।
जायद भाई अंदर का भी ले लो। हो गया।